क्या आप भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी फील्ड बेहतर है? तो आपके इन सवालों का जवाब इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। वक्त ज़ाया नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान। एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की टाइप्स आ गई हैं, तो सर ये थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट कर दें, प्लस ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये क्या चीज़ है। मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपने अगर सराउंडिंग में देखें, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं शॉपिंग मॉल्स के अंदर, तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स नज़र आते हैं। निशात हो गया, लाइम लाइट हो गया, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं कपड़ों के, जूतों के, नाइकी, एडिडास, स्टारलेट एट्सेट्रा। लेकिन अगर आप एक और चीज़ नोट करें, इन सारे ब्रांड्स ने अब अपनी ऑनलाइन शॉप भी बना ली है, मतलब ऑनलाइन स्टोर बना लिया है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन अपने जूते का साइज़ बता के, डिज़ाइन वहाँ से सेलेक्ट करके घर पर डिलीवर करवा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप कपड़े और सूट वगैरह भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अब ये जो ऑनलाइन स्टोर बन गया, अब यहाँ पर तो कोई सेल्स का स्टाफ नहीं खड़ा, ना ही आप फिज़िकली जाके कपड़े को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन भी ख़रीदने के लिए बायर को कन्विंस करना पड़ता है। अब वो कन्विंस कैसे करना है, यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आती हैं, टेक्निक्स आती हैं, और जो ऑनलाइन स्टोर पर ये स्ट्रेटजीज़ अप्लाई की जाती हैं, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मतलब हमने फिज़िकली प्रोडक्ट को टच नहीं किया, लेकिन डिजिटली उसे इतना ज़बरदस्त मार्केट किया कि जो भी शख्स हमारी वेबसाइट पे आया हमारी प्रोडक्ट को देखने के लिए, उसका ख़रीदने को दिल किया और उसने उस प्रोडक्ट को ख़रीद लिया। तो इस फील्ड को हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब ज़रा आप ख़ुद सोचें, जितने भी बिज़नेस हैं वो सारे आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता है कि अगर मुस्तकबिल के अंदर वो डिजिटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अब ये भी सोचें कि जिस तरह एक मार्केटिंग की फील्ड है, उसी तरह जब एक बिज़नेस डिजिटली एग्जिस्ट करेगा तो डिजिटल मार्केटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। फील्ड बड़ी ज़बरदस्त है, सदाबहार है, वक्त के साथ मज़ीद बेहतर होएगी, डाइवर्स होएगी, टेक्निक्स बदलती जाएंगी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट करेगी क्योंकि हम डिजिटल दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि मौजूद हैं। आगे हम मेटा लेवल पर और उससे बेहतर आगे मूव हो रहे हैं। तो जिसने तो अभी ये स्किल सीख ली, उसके लिए बड़ा आसान होगा आने वाली दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा करना। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कोई ऐसा स्किल बता दें जो कि सदाबहार हो और एक लॉन्ग पीरियड तक चले, जैसे मिसाल के तौर पे अमेज़न वीए का बुखार चढ़ा सारों को, चूंकि वो प्रोफेशनल नहीं थे बैठ गए, जो प्रोफेशनल वीएज हैं वो आज भी काम कर रहे हैं। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर आप मेहनत करके स्किल को सीख लेते हैं तो चांसेस हैं कि आप अपना एक अच्छा करियर इसके अंदर बना सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क के अंदर भी इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, अच्छा बहुत सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग को ही डिजिटल मार्केटिंग कंसिडर करते हैं, जबकि मेरे मुताबिक सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। अब कौन कौन से टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए? नंबर वन, ये आपकी वेबसाइट हो सकती है, शॉपिफाई पर स्टोर हो सकता है, जिसको हमने मार्केट करना होता है। अब रास्ता कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, हम गूगल एड्स चला सकते हैं, हम इन्फ्लुएंसर से रब्ता करके अपनी प्रोडक्ट को डिजिटली मार्केट कर सकते हैं, हम SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ये काम कर सकते हैं। कहने का मतलब हर वही काम जो टेंजिबल नहीं है लेकिन डिजिटली हम उसको यूज़ करते हुए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, ये सब डिजिटल मार्केटिंग में आता है। कुछ लोग अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ही एक्सपर्ट करते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपका इंस्टाग्राम आ रहा है, आपका फेसबुक आ रहा है, आपका टिकटॉक आ रहा है, यहाँ पर एड्स लगा के अगर आप प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो तो ये डिजिटल मार्केटिंग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इसे SMM भी कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आप इसके अंदर भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप पूरी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखें। तो जहाँ आपके इंटरेस्ट है आप वहाँ पे अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। वेबसाइट बनाना भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि आप एक वेबसाइट बना के भी प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो। आने वाले दौर में हर बंदे को वेबसाइट चाहिए, ऑनलाइन स्टोर खोलना है, तो अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आपको लाजमी इसमें चांसेस मिलेंगे आगे बढ़ने के।
कोई भी स्टोर है, चाहे वो शॉपिफाई पे स्टोर बन रहा हो, कोई वेबसाइट बन रही हो, किसी ने कोई फेसबुक का स्टोर बनाया हो, उसको एक डिजिटल मार्केटर चाहिए होता है अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग करती क्या है असल में? डिजिटल मार्केटिंग का असल मकसद ये होता है आपके बिजनेस को उठा के लोगों की पहुंच तक पहुंचाना। मिसाल के तौर पे आपने कोई दुकान खोली डिजिटली, आपने ऑनलाइन शॉप खोली या ऑनलाइन वेबसाइट बनाई, किसी को क्या पता? नहीं पता ना। अब अगर आप उस शॉप की डिजिटली मार्केटिंग करते हो, उसको एडवर्टाइज करते हो और कस्टमर को दिखाते हो कि भाई ये देखो ये मेरी दुकान है, तो चांसेस हैं लोग उस दुकान से कुछ ना कुछ खरीद भी लेंगे। तो प्रोडक्ट को, ब्रांड को, बिजनेस को, कस्टमर की पहुंच तक बनाने को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन जो अच्छा डिजिटल मार्केटिंग होती है या अच्छा जो डिजिटल मार्केटर होता है, वो डिजिटल मार्केटिंग से पहले के जो स्टेप्स हैं उन पे बहुत वर्किंग करता है, जिसमें शामिल है आपका फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन अच्छा है क्योंकि आप वहाँ पर डिज़ाइन से लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो, वो डिज़ाइन से कम्युनिकेट कर रहे हो, डिज़ाइन अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो चांसेस हैं कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदेगा। ऐसा क्यों ज़रूरी है? ये दोनों चीज़ें साथ साथ क्यों चलती हैं? नंबर वन आपकी रीचेबिलिटी, नंबर टू डिज़ायरेबिलिटी। रीचेबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर आपने अपना बिजनेस कस्टमर की रीच में पहुंचा दिया लेकिन वो डिज़ायरेबल नहीं है, तो चांसेस हैं कि वो लोग ऐड देखेंगे लेकिन उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। दूसरे एंड पे अगर आपका प्रोडक्ट बहुत डिज़ायरेबल है, आपने बिज़नेस बहुत अच्छा बनाया, आपकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, कलर स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि आपका बिज़नेस एग्जिस्ट करता है, तो कौन खरीदेगा? तो ये एक बैलेंस क्रिएट करना एक डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है, डिजिटल मार्केटर का काम होता है। अच्छा कंटेंट पहले क्रिएट करता है, फिर उसको लेके जाता है उसकी एग्जीक्यूशन में, यानी कि मार्केट में। इसको हम डिजिटल सेल्स भी कह सकते थे, लेकिन हम इसे डिजिटल सेल्स नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स में क्या फ़र्क है ये आप सबको पता है। एक मार्केटर जो होता है वो पॉलिसीज़ बनाता है, स्ट्रेटजीज़ बनाता है, जबकि जो सेल्स मैन होता है या जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, वो प्रोडक्ट को बेचते हैं। यहाँ पर हम मार्केटिंग का वर्ड इसलिए कहते हैं कि हमने कैंपेन्स डिज़ाइन करनी होती है, हमने स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी होती है, हमने देखना होता है हमारी ऑडियंस कौन सी है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, किस तरह की ऑडियंस को हमने रीटारगेट करना है। सो इट्स प्रॉपर मार्केटिंग, जैसे आप एक फिजिकल बिजनेस को मार्केट करते हो, बिल्कुल उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग भी इसी तरह का एक बिजनेस है और एक कारोबार है। और इसकी भी कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक इसी पर है कि आप उसको कितना अच्छा डिजिटली मार्केट करते हो। बहुत सारे लोग मार ही यहीं पे खाते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस होता है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। क्यों यार? हम खुद ही कर लेंगे यार, बूस्ट ही तो करना है फेसबुक के ऊपर, हम कर लेंगे। सिर्फ बूस्ट करना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, इसकी प्रॉपर फनलिंग की जाती है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, डाटा बाय किया जाता है फेसबुक से। इसके अलावा गूगल पे भी जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं, वहाँ से भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, पिक्सल्स के थ्रू ये देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आ रही है। सो इट्स अ प्रॉपर साइंस, एक प्रॉपर चीज़ है जिसको सीखा जाता है, प्रॉपर एक हुनर है जिसको सीखा जाता है, फिर आप जाके इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपका जो पहला स्टेप सिस्टम ये होना चाहिए कि अभी आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप जाओ सीखो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप पेड ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे इदारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करवा रहे हैं, ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। हमारा इदारा मीट मुगल्स वो भी करवाता है, और अगर आप हमारी ट्रेनिंग बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ, आपके सामने नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें और मालूम ले लें कि अगला बैच हमारा कब स्टार्ट हो रहा है। हर महीने हमारा बैच स्टार्ट हो रहा होता है, जिसके अंदर मुकम्मल हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, गूगल एड्स भी, और जो पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं वो स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं। और ये ऐसी फील्ड है जिसमें कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि सर मुझे जॉब नहीं मिली। इस टाइम डिजिटल मार्केटर्स कम हैं और बिजनेसेस ज़्यादा हैं, तो इसकी डिमांड हमेशा रहेगी और ये गैप हमेशा रहेगा, क्योंकि बिजनेस डेली बढ़ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस लॉन्च हो रहे हैं, नई नई वेबसाइट्स हो रही हैं, तो यहाँ पर हमेशा एक अच्छे डिजिटल मार्केटर के लिए हमेशा जगह मौजूद रहेगी। हाँ, अच्छे डिजिटल मार्केटर के लिए, वो मार्केटर नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, डिज़ाइन लेआउट्स क्या हैं, लाइन, कलर, शेप, टेक्सचर, ये जो बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स हैं, जो डिज़ाइन के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको यूज़ कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, आपकी कैंपेन का थीम सारा एक जैसा कैसा होना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं। वो कहते नहीं, मैं तो भाई ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैंने एक पोस्ट लगानी है, उसके बाद उसको बूस्ट कर देना है, पैसा बढ़ाना है, तो इससे आप एडवर्टाइज हो रहे हो।
डाटा कलेक्शन नहीं हो रही। हमारा तो काम है बीइंग अ डिजिटल मार्केटर कि आपने एडवर्टाइज भी करना है, एडवर्टाइज करने के बाद आपने डाटा कलेक्ट करना है, उस डाटे को आपने यूटिलाइज करना है रीमार्केटिंग के लिए ताकि आपका पैसा कम लगे। ये सर्विसेज आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं सीखने के बाद, ये सर्विसेज आप अपने आप को खुद दे सकते हैं, आप अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं, आप सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप ब्रांड हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, अपने आप अपना पेज बनाए, उसको एडवर्टाइज करना शुरू करें, दैट्स इट। स्टूडेंट्स आएंगे आपसे रब्ता करेंगे, आपसे ट्रेनिंग्स लेंगे, जिस तरह मीट मुगल एक इदारा है, हम लोग भी अपने आप को सोशली एडवर्टाइज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं अपनी, ताकि लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे और हमारे पास स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं, इनरोल होते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, आप चाहे सर्विसेज बेच रहे हैं चाहे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा टूल है आपको एडवर्टाइज करने का। अब अगर आप कहें कि सर ऑर्डर नहीं आंदे, कारोबार नहीं चल रहा, तो यार ये ज्यादती है, तो आप यहीं पे बैठे पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज और मार्केट कर सकते हैं। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, और अगर आप आने वाले कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर है, आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको मालूमात मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।